गरीब के साथ साथ मीडियम क्लास भी परेशान है, क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एकदम जो है इज्जत मरने वाले लोग भी है, तो वो लोग एक टाइम खा के दो टाइम भूखे भी रह रहे पास लोग पास घरों में। अल्लाह का शुक्र है कि अपन लोग सब लोग अच्छे हैं, मगर खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मुहिउद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूं। यूं तो होती है हर न्यूज पर आपकी नजर, हम देते हैं रोजाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। रियासती वक्फ बोर्ड ने आज अपने खुसूसी हंगामे इजलास में माह रमजान से कबल शहर के गरीब मुसलमानों और माइग्रेंट्स में 2 करोड़ रुपए मालियती रजाई अजनास की तकसीम अमल में लाने का फैसला किया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों लोग परेशान हाल हैं, चुनाचे उनकी मदद करने का एक अहम फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि बोर्ड के बाजारकान इजलास से गैर हाजिर रहे, तहम उन्होंने फोन पर इजलास में ले जाने वाले फैसलों से इत्तफाक किया है। इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाए, आज के जो हालात है, हालात हाजरा जो है, जो आज पूरा वर्ल्ड परेशान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लोग सब परेशान है, जो आज के हालात के वजह से जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कुछ मेंबर्स नहीं आए क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में है और कुछ मेंबर जो है तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से नहीं आए, एक दो मेंबर दो तीन मेंबर नहीं आए, और ऑलरेडी फोन पे बात हुई कंसर्ट लेके वो लोग अपना कंसर्ट दिए है, और आज बोर्ड मीटिंग आज ये हुई है कि कोरोना वायरस के बारे में जो है जो आवाम परेशान है, जो गरीब आवाम परेशान है, गरीब मीडियम क्लास लोग भी परेशान है आज, क्योंकि गरीब के साथ साथ मीडियम क्लास भी परेशान है, क्योंकि वो लोग बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एकदम जो है इज्जत मरने वाले लोग भी है, तो वो लोग एक टाइम खा के दो टाइम भूखे भी रह रहे पास लोग पास घरों में। अल्लाह का शुक्र है कि अपन लोग सब लोग अच्छे हैं, मगर सब लोग अच्छे रहना है, तो मेरी अपील है आप लोगों से भी कि ये कौम तक पहुंचाए हर चीज। और हम लोग आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर 2 करोड़ रुपए हम लोग सेंक्शन करें पूर पीपल के लिए, जो गरीब आवाम के लिए, जो जो सलम एरियों में जहां पर भी जो लोग आज मुस्ताहक लोग हैं, जो मुस्ताहक है मीडियम क्लास हो या गरीब लोग हो, कोई भी हो, जो मुस्ताहक लोग हैं, जो खरीद कर नहीं खा सकते, रोजमर्रा काम करने वाले भी है, उनका भी आज अनाज की भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का है। ऐसे वाले तो है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सबको खुश खुरम रखे। तो आज हम लोग मीटिंग लेकर, वो बहुत इम्पोर्टेंट, 2 दिन में हम लोग डिसीजन लिए, 3 दिन में लेके आज बोर्ड मीटिंग बुलाकर हम लोग जो है ना 2 करोड़ रुपए रेजोल्यूशन लिए सेंक्शन करें। तो 2 करोड़ रुपए इंशाल्लाह जिसका भी लोअर कोटेशन रहेगा, कोटेशन मंगाएंगे हम, जिसका भी लो कोटेशन रहेगा, जो भी किट वक्फ बोर्ड की तरफ से डिसाइड होंगी, वो लो कोटेशन जिसका रहेगा, जिसका रेट कम रहेगा, उसको ऑर्डर देंगे हम, और उसकी एक कमेटी भी डालेंगे ऑफिसरों की डाल के, वो कमेटी भी चेक करेंगी उसको, और वो लो कोटेशन को कमेटी पास करके CO के अंडर में रहेंगी कमेटी, वो पास करके हमारे पास लाएंगी, तो हम उसको ओके करने के बाद इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा। जो डिस्ट्रिक्टों में भी लोग परेशान है, गरीब लोग, जैसा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है, निजामबाद है, जहां जहां पर भी जो गरीब लोग है वहां पर भी भिजाने की हम लोग कोशिश करेंगे, वहां पर भी जो है ना पहुंचाएंगे, और यहां पर भी जो है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, हैदराबाद है, जहां जहां पर भी जो गरीब आवाम है, मुस्ताहक लोग हैं, तो मीडियम क्लास भी पास लोग क्या है इज्जत के खातिर बोलते नहीं, पर उनके घरों पे पहुंचाने का काम भी करने की प्लानिंग करना है। एक पीर मंगल तक हम लोग एक मीटिंग रख के किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसा करना है, वो एक मीटिंग रख के हम लोग फाइनल करेंगे, फिर उसी रास्ते पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आज तेलंगाना गवर्नमेंट भी, KCR साहब की गवर्नमेंट भी इतना काम कर रही है कि आज तक इंडिया में इतना काम कोई गवर्नमेंट नहीं करी माइनॉरिटीज के लिए,
केसीआर साहब को मैं मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि आज पूरे हॉस्पिटल्स में लिए हॉस्पिटल्स और भी जैसा कि गच्चीबोल स्टेडियम को भी जो है हॉस्पिटल बनाए, पहले से प्रिपरेशन होके केटीआर साहब केसीआर साहब जो है ना हार्डवर्क करके जो है ना मॉनिटर करके डॉक्टर्स को पूरे ऑफिशियल पुलिस सब मिलकर जो है ना टीम वर्क करके केसीआर साहब की सदारत में जो है काम अच्छा हो रहा सीएम साहब के उसमें। और मैं सीएम साहब को केटीआर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो भरपूर काम कर रही है, कुछ पैसा भी ये कर रही गवर्नमेंट, अनाज भी दे रहे एक एक को 12 किलो फ्री, और भी केसीआर साहब जो जो करना है स्कीम्स लेके आकर उनको मैं कितनी भी तारीफ करे कम है केसीआर साहब की, क्योंकि सीएम साहब की गवर्नमेंट आने के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नजर देखने का काम पूरे इंडिया में सिर्फ केसीआर साहब की गवर्नमेंट कर रही। मैं केसीआर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और वकोट की तरफ से भी इंशाल्लाह हम लोग जो जो हो सकता है पार्ट पार्ट करके हम लोग अभी 2 करोड़ रुपए एकर है, ये कब तक कैसा करना है रमजान में जो है ना कैसा तकसीम होना है इंशाल्लाह ताला ये रमजान के दौरान इंशाल्लाह तकसीम शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले हम लोग 20 लाख रुपए का कोटेशन वही कोटेशन मंगा के 4 कोटेशन मंगाए थे जो लोअर कोटेशन था उसको हम लोग दिए, तो वो हिसाब से जो है ना अभी हम कोटेशन ओपन मंगाएंगे जिसका कोटेशन 1 हफ्ते का टाइम देंगे, जिसको भी लाके देना है कोटेशन दीजिए आप लोग, हमारे किट जो रहेंगी उसमें लोअर कोटेशन और क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं, हम जो खा रहे बांटना भी वही चीज है हमारे को, ये नहीं कि बांटना है गरीबों को मोटा चावल या ऐसा कोई 2 नंबर का चीज सेकंड क्वालिटी नहीं, नंबर 1 क्वालिटी देंगे, अच्छी क्वालिटी देना है, अपन जो खा रहे हर एक को वो तकसीम करेंगे, जो बड़ा आदमी अरबपति जो खा रहा वही चीज तकसीम करेंगे हम, ये नहीं कि गरीब लोगों को ऐसा कुछ भी बांट दिया ऐसा नहीं, अच्छे से अच्छा जो है ना देंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। वक्फ में डिसीजन लिए और मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना इंशाल्लाह ताला गरीब आवाम को ऑलरेडी गवर्नमेंट भरपूर तावन कर रही, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में भी भरपूर कर रहे और वक्फ से भी हम लोग जो है ना करना शुरू कर दिया इंशाल्लाह ताला, और आज तक इंडिया में कोई भी वक्फ नहीं करा मगर हमारा वक्फ तेलंगाना गवर्नमेंट का वक्फ बराबर तरीके से गरीब आवाम के लिए हर एक के लिए तावन करने के लिए हम लोग रेडी है, और इंशाल्लाह ताला 1-2-4 दिन में कोटेशन आने के बाद फिर हम लोग पीर मंगल को एक मीटिंग ऐसी बैठ कर हम लोग उसको डिसीजन लेके हम लोग देना शुरू करेंगे कोटेशन आने के लिए। ये रमजान 1-2 तारीख से शुरू होता है, माफ तो किसी को नहीं किया जाएगा क्योंकि किराया आगे पीछे लेंगे, अब जैसा कि बाजार बने तो उन्हें किराया दुकान से ले भी नहीं सकते ना अपन, बाजार खुलने के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ टाइम देंगे उन लोगों, कुछ आगे पीछे लेंगे मगर लेंगे बराबर, क्योंकि किराया तो लेना ही है ना, अभी फिलोहाल नहीं ले सके तो नेक्स्ट 1-2-4 महीने का टाइम देंगे, 1 महीने आगे का टाइम देंगे बाजार खुलने के बाद, लॉकडाउन में तो सब बंद है मतलब कहां से ले सकते सब ये जो और रमजान किट्स वगैरह का कैसे वही रमजान किट्स वही नहीं नहीं गवर्नमेंट से जो आता है इफ्तार पार्टी वगैरह के लिए मुझे वो तो सीएम साहब बताएंगे वो जैसा गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो कर रही गवर्नमेंट बराबर भरपूर काम कर रही और ये भी हम भी जो कर रहे हैं भरपूर तरीके से जो भी मंशा उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग जैसा भी कर रहे हैं काम बराबर करेंगे। मेरे वैसा आदमी आगे थोड़ी देर था लाइन में जो घुसता है नहीं बेचारा लेता हूं मैं, पर हम तो ये सोच रहे कि घरों पर पहुंचाने का काम करेंगे, लाइन में खड़ा करके नहीं देने का है क्योंकि उसकी बेइज्जती क्यों करना है, वो भी अपना भाई है तो अपन वैसा बेइज्जती नहीं चाह रहे, हम एक प्लानिंग सोच रहे कि लाइन में नहीं खड़ा करें, वैसा हम लोग खुद घरों पे जो है ना एक एक एरिया वाइज तो बात करके पुलिस की हेल्प लेके गवर्नमेंट की हेल्प लेके डिस्ट्रीब्यूशन करने की वो प्लानिंग करेंगे। आजकल आप लोग सलाम बस्ते जो बेरोजगार है आज कारोबार से बैठे हुए वैसे लोगों के घरों पर पहुंचाने का काम करेंगे। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है, आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट राजेंद्र नगर हैदराबाद।